हम लोगों ने नाउन देखा, नाउन के टाइप्स देखे, फाइव डिफरेंट टाइप्स के नाउन देखे, एक्सरसाइज देखी। आज हम लोग इसका दूसरा जो चैप्टर है नाउन द नंबर, उसको देखेंगे कि नंबर्स क्या होता है। हम लोगों ने नाउन देखा था कि भैया नाउन क्या होता है। नाउन हम लोगों ने देखा था कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर थिंग है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं नाउन के बारे में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर नाउन है उस नाउन का नंबर क्या है। नंबर मीन्स क्या वो एक है या वो एक से ज़्यादा है। तो जिस नाउन के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि या वो एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाउन नंबर। अब सिंगुलर नाउन इसमें क्या है, दो हमारे पास है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। बहुवचन का मतलब क्या है, ज्यादा। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी क्या दी है, हमारी डेफिनेशन दी है इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। कि ऐसा नाउन जो हमको एक या अनेक के बारे में बताए, कि जो हमारा नाउन है उसकी संख्या को क्या करे, हमारे को क्लियर करे, संख्या के बारे में हमको जो जानकारी दे, हमको डिनोट्स करे, हमको पता लगवाए कि ये जो नाउन है पर्टिकुलर, वो नाउन क्या है, एक है या एक से ज़्यादा है, जब उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है तो उसको हम लोग कहते हैं नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन। ये अ लगाने का मतलब क्या हो गया, अ का मतलब हो गया आपका एक। ये आपके आर्टिकल में भी काम आएगा, जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो नाउन सिंगुलर होते हैं उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, या तो हम लोग ए लगाते हैं या हम लोग एन लगाते हैं। तो जब तक आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन नहीं पता चलेगा, तब तक आपको आर्टिकल के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर आपको आर्टिकल के बारे में ठीक से जानकारी पता करनी है, या आपको आर्टिकल का सही उपयोग करना है, तो उसके लिए क्या है, आपको नाउन द नंबर के बारे में पता होना जरूरी है। तो ये क्या करता है, अ अ का मतलब क्या हो गया, एक। एन का भी मतलब क्या होता है, एक। ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन का यूज होता है वाउल साउंड के साथ। ठीक है, अब अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन मतलब एक लड़का, एक लड़की और एक पेन। ये बात हमको पता चल रही है इसके ए लगने से। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया हमारा सिंगुलर नंबर। ठीक है, मतलब एक वचन। यहाँ पे क्या किया है, देखो पीछे एस लगा दिया है, इसके पीछे क्या लग गया, एस लग गया। एस लगते ही ये क्या हो गया, बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा। तो जो एक से ज़्यादा के बारे में, नाउन के बारे में हमको बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल, बहुवचन। हिंदी में आपने पढ़ा होगा एक वचन, बहुवचन, तो वही है। हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, मात्रा बदल देते हैं। बड़ी मात्रा होती है तो क्या कर देते हैं, हम लोग छोटी मात्रा का उपयोग करना चालू कर देते हैं। लड़की तो हम लोग उसकी जगह उसका क्या करते हैं, लड़कियां, लड़का तो लड़के, इस तरीके से हम लोग क्या है करने लग जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एस या ईएस लगा के हम लोग बहुवचन बनाते हैं। तो ये हमारा जनरल था। इसके बाद क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नाउन और एक होता है हमारा प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन। अब सिंगुलर नाउन का मतलब क्या है, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, कि जो नाउन हमको क्या बताए, केवल एक के बारे में जानकारी दे। क्या करें, केवल एक के बारे में बताए, केवल एक के बारे में जानकारी दे, या एक के बारे में बताए। जिस नाउन से हमको क्या पता चलता है कि ये नाउन है वो क्या है, सिंगल है, एक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन। और जिससे एक से ज्यादा का पता चले, एक से अधिक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, एक से ज्यादा के बारे में जब हमको पता चलता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हैं, अ स्टूडेंट, अ वूमन, आपको एग्जांपल दिया है, एक स्टूडेंट, एक वूमन। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, स्टूडेंट्स और
वुमेन। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू ओ एम ए एन है, एम ए एन, तो ये क्या हो गया सिंगुलर, एम ई एन होते ही क्या हो गया प्लूरल। वैसे ही यहाँ पे बाई चांस एम ए एन ए, वुमेन का मतलब औरत, एम ए एन का मतलब आदमी, इसका प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ई एन। आई बात समझ में, ये है हमारा।